अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक दिन से वीडियो अपलोड ही नहीं की, इसलिए सॉरी कि मैंने एक दिन से अपनी वीडियो अपलोड की नहीं और अब कर रहा हूँ। और मैंने आपको कहा था कि मैं दिमन से कि लास्ट एपिसोड का रिव्यू दूंगा, तो शायद वो ज़रा लेट हो जाए, इसलिए अगर ज़रा लेट हो जाए तो सह लेना। किसी और चैनल तब तक किसी और चैनल का देख सकते हो, चाहे अपराने के पास चले जाओ या फिर BBF के पास चले जाओ, किसी के पास भी जाकर कर देख सकते हो। तो अगर रिव्यू ही देखना है, मैं अगर मेरा नहीं देखना तो उसका देख लो जाकर, उन इन दोनों में से रिव्यू अपना नहीं क्या, फिर BBF का जाकर देख लो। तो आज तो हाँ, तो मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने दौड़ा है कि मैंने नारुतो 200 एपिसोड 256 पर ड्रॉप कर दिया है। हाँ, मैंने नारुतो ड्रॉप कर दिया एपिसोड 256 पर। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो नारुतो की बात करें और नारुतो की तो 220 एपिसोड है, तो 256 कैसे आ गए। मैं पहले बता दूं कि मैंने नारुतो पूरा देखा हुआ है और उसकी दूसरी सीरीज नारुतो शिप्पुदन की बात करें तो वो मैंने 256 पर ड्रॉप कर दिया है। यानी एक तरह से मैंने नारुतो ही कर दिया है क्योंकि वो उसका पार्ट टू है। यानी मैंने नारुतो सीरीज पूरी देखी हुई है, लेकिन पूरी एक तरह से देखी हुई है, लेकिन नारुतो शिप्पुदन एक तरह से नहीं देखी हुई क्योंकि मैंने नारुतो शिप्पुदन पूरा नहीं देखा। अब मैंने की क्यों, तो ये इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। मैंने हर बार मेरे दिमाग में एक चीज़ आती थी कि मैंने नारुतो ड्रॉप करना है, उसकी वजह इस वीडियो में बता दूंगा, ये मैंने पहले भी बता दिया है। और लेकिन मैं बस ज़बरदस्ती नारुतो के ऊपर एक ही चीज़ का सोच कर नारुतो देखता रहा। वजह थी मादारा उचिहा, क्योंकि अभी तो मादारा उचिहा की वॉर भी नहीं आई थी और मैं उसका इंतज़ार कर रहा था कि अगर वो वाली आर्क मुझे ना पसंद आई तो मैं बस ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि मुझे मसला क्या था, मैं क्यों ड्रॉप कर रहा था, तो क्यों मेरा ड्रॉप करने का दिल कर रहा था। इसकी वजह क्योंकि मैंने बहुत से एनिमेज देखने थे और वो उन और नारुतो ने मुझे बांधा हुआ था कि अभी मैंने नारुतो देखना है, क्योंकि अगर मैं जो भी एनिमे को स्टार्ट करता तो मैं उसे ड्रॉप कर देता नारुतो के लिए, क्योंकि फिर मुझे याद आता भाई अभी तुम नारुतो देख रहे हो, पहले इतना लंबा एनिमे नारुतो तो फिनिश कर दो फिर ये देखना। इसलिए मैंने फिर आखिरकार कल ही नारुतो ड्रॉप कर दिया। और शायद मैं ये ना करता क्योंकि अगर मेरा फ्रेंड ये ना कहता, क्योंकि मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा क्या नारुतो ड्रॉप कर दो और उसने जवाब वही दिया, हाँ कर दो। अगर हाँ, उसने थोड़ा सा सोचा और फिर कहा कर ऐसा ठीक है, फिर वजह पूछी और फिर कहा ठीक है अगर करना कर दो और अगर फिर से कभी देखने का दिल किया तो देख लेना। तो मैंने कहा ठीक है मैं देख लूँगा अगर कभी दिल किया, और मैंने कर दिया ड्रॉप। और अब मुझे लग रहा है कि और अब मैं नारुतो नहीं देखूँगा, मेरा यही ख्याल है। हाँ, और मैं पहले बता दूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्लीच स्टार्ट कर दूँ या मैं यहाँ इमेज लगा दूँगा कि अगर मुझे मिल गई, क्योंकि एक ग्रुप है जिसमें बहुत पहले वो इमेज थी, इसलिए वो मैं लगा दूँगा। अगर मुझे मिल गई ना मिली तो मैंने नहीं लगा पाऊंगा। तो ये तो क्योंकि मैं क्यों ब्लीच देखने का सोच रहा हूँ। और वैसे ना ब्लीच बहुत ज़्यादा अंदर रहती थी क्योंकि टॉप 3 में आता है, यानी नारुतो वन पीस और उसमें ब्लीच भी है, लेकिन फिर भी कोई ब्लीच के बारे में बात ही नहीं करता। तो मैं तो ब्लीच देखने वाला हूँ, शायद मैं एक ब्लीच के बारे में बात करूँ क्योंकि ब्लीच के बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो ये तो और एक और बात के अभी मुझे नहीं पता कन्फर्म है, यानी 99% कन्फर्म है। अगर मैं एनिमे स्पिरिट्स के साथ कोलैब की बात करूँ तो वो मुझे नहीं पता होगा या नहीं, लेकिन एक चैनल जिसका नाम एनिमेशन मैं कम्युनिटी पोस्ट में उसका लिंक दे दूंगा, एनिमेशन कुछ है वो, हाँ एनिमेशन एरो है, और उसके साथ मेरा कोलैब होगा पर किसी दिन, कल या आज या परसों, तो इसलिए जब होगा तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा और फिर देख लेना जाकर वो। और कम्युनिटी पोस्ट भी प्लीज़ देख लिया करो क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट में बहुत कुछ बताता हूँ, तो जाकर देखो कम्युनिटी पोस्ट। अगर नहीं देखोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ मिस होगा, और इसमें मैंने ये भी बता चुका हूँ कि आखिर क्यों अब मैं रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं अपलोड करता। तो आज की वीडियो यहीं तक, अल्लाह हाफिज़ और सायो नारा।